मतलब ये लड़कियों की एक चीज होती है, हम ईद को एक साल तक रगड़ते सब हैं। कुछ लड़कियों का ही होता है, हम लड़के बेचारे कहाँ जाएं। हाँ, कोई लड़कों का क्यों तुम लोगों को मिलती नहीं है? नहीं मिलती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपसे ईदी लूं या आपको ईदी दूं। नहीं तुम अभी मुझे लेनी चाहिए तुमसे। अच्छा, इतने टाइम बाद आया है मेरे शो पर। मैंने बोला ब्रो अब तो तुम बहुत बड़े स्टार हो गए हो, क्या कर रहे हो आजकल? एक्टिंग कर रहा हूँ, एक लीड रोल कर रहा हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है? एक टिकटॉक पर एक एक्टिंग अलग होती है, और जब एक इंसान वो कैमरा और 10 और लोग उसमें, आई बिलीव फड़फड़ाहट हड़फड़ाहट होती होगी, है ना? आपको एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा, आप हमारी सीनियर हैं, लेकिन आपको तो पता है छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ। और बहुत फ़र्क है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में मुश्किलात का सामना हुआ था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या क्या मुश्किल थी जिसके सामना? और लड़की की सूरत में तो नहीं थी तुम्हारे नाम है मुश्किल, तुम्हारे नाम है खुशी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे थोड़ी मुश्किल मिली फिर बाद में खुशी मिली। नहीं, मैंने दो प्रोजेक्ट्स किए, एक कॉमेडी की है और एक जो है सीरियस की है। तो जो सीरियस वाले में स्टार्ट में फर्स्ट टाइम मैंने सीरियस से स्टार्ट लिया था, तो उसमें ये हुआ कि स्टार्ट में जब मैंने सोचा मुझे लगा वही जो हम टिकटॉक पे करते हैं, लेकिन रियल लाइफ एक्टिंग में डायलॉग डिलीवरी और ये सब वॉइस एक्सप्रेशंस ये सब काउंट होते हैं। ओह गॉड, तो काफी मुश्किलात का सामना इस हिसाब से हुआ। ओके, किसने तुम्हें सबसे ज्यादा गाइड किया? एक होता है ना, आई बिलीव हमारे यहाँ अच्छे आर्टिस्ट भी है, सीनियर्स भी, जो बैठ कर आपको ग्रूम करते हैं, गाइड करते हैं। किसने आपको एक्चुअली हेल्प आउट किया? सबसे ज्यादा तो जो हमारे डायरेक्टर है आतिफ राठौर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि जाहिर है फर्स्ट टाइम था मेरा, बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी, आपको पता है कब से शोज वगैरह कर रहे हैं। हाँ। आपके साथ ही होते हैं तो कॉन्फिडेंस का कोई मसला नहीं था, बस ये कि एक चीज़ न्यू थी हमारे लिए। हाँ, पर ये कॉन्फिडेंस तो आई बिलीव होता है, लेकिन जब 10 लोग आपको बैठ कर देख रहे हो ऊपर से, आपको ये पता होता है कि अगर मैं भन करूँगा इन सब की लाइनें खराब हो जाएगी, यू गेट इट? तो वो एक चीज होती है, लेकिन यू आर डूइंग गुड। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है, जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी तरफ, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।